रात के अंधेरे में चीन कर रहा है युद्धाभ्यास। बायोलॉजिकल हथियार भारत के खिलाफ कर रहा है तैयार। LAC के पास बढ़ाई सैनिकों की तैनाती। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि भारत और चीन के रिश्ते बीते कुछ समय से तनाव से गुजर रहे हैं। दोनों देशों के बीच कई दौर की वार्ता होने के बावजूद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। ऐसी स्थिति में चीन को लेकर एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। और दोस्तों, यकीन मानिए, आप भी वो खबर सुनेंगे तो आप चौंक उठेंगे। जी हाँ, इस वीडियो में आपको हम उसी खबर से रूबरू कराने वाले हैं, तो बिना कोई भी वक्त गवाए चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जी हाँ, वह रात के अंधेरे में सैन्य अभ्यास कर रहा है, जिससे ऐसा कह सकते हैं कि वो हमले की तैयारी में है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जॉइंट मिलिट्री ब्रिगेड तिब्बत में बायोलॉजिकल यानी कि जैविक एंटी न्यूक्लियर वॉरफेयर और रासायनिक हथियारों के साथ सैन्य अभ्यास कर रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि यही वजह है कि भारत द्वारा इस अभ्यास को काफी अहम माना जा रहा है। जानकारी ये निकल के सामने आई है कि यह तिब्बत सैन्य क्षेत्र में पश्चिमी थिएटर कमांड के तहत आयोजित किया गया, जो चीन की 5 कमानों में सबसे बड़ी मानी जाती है। यह चीन भारत विवादित उस सीमा के लिए जिम्मेदार है जो लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक 3488 किलोमीटर तक फैली हुई है। दोस्तों, आपको बता दें कि ड्रिल की प्रकृति और भाग लेने वाले सैनिकों का वर्णन किया गया है, लेकिन विशेष रूप से यह बताया नहीं गया है कि अभ्यास कहां आयोजित किया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि तिब्बत सैन्य क्षेत्र कमान के तहत एक संयुक्त सैन्य ब्रिगेड ने नवंबर के अंत में बर्फीले पठार पर वास्तविक युद्ध का अभ्यास किया है, जिसे काफी खतरनाक बताया जा रहा है। इसकी हेडिंग में लिखा गया है कि तिब्बत सैन्य क्षेत्र की सिंथेटिक ब्रिगेड ने क्रॉस डे और नाइट मोबाइल मल्टी आर्म कोऑर्डिनेटेड वास्तविक युद्ध अभ्यास किया है। दोस्तों, अब आपको हम बता देते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों, इसमें लिखा है कि रॉकेट लॉन्च किए जाने और बख्तरबंद हमला समूह तैनात किए जाने के बाद लक्षित मुसीबत पर विस्फोट करने के लिए सेना के इंजीनियरों को बुलाया गया था। इससे तो साफ यही पता चलता है कि चीन की मंशा भारत को लेकर बहुत ही खतरनाक है। दोस्तों, चीन इन अभ्यासों से बार बार यही जाहिर चाह रहा है कि वो भारत के खिलाफ कभी भी जंग छेड़ सकता है। दोस्तों, अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि चीन की तैयारी कैसी चल रही है। दोस्तों, आइए आपको हम पूरी कहानी जरा विस्तार से समझाते हैं। दोस्तों, खबर ये है कि कमांडिंग अफसर ने परमाणु जैविक और रासायनिक हमले की चेतावनी दी है। एक परमाणु जैविक और रासायनिक हमले का सामना करना पड़ा, अचानक एक आदेश आया। तीसरी बटालियन के कमांडर ली कुनफेंग ने गैस मास्क पहना, वह जल्दी से जहरीले क्षेत्र से गुजरे और फिर कमांड पोस्ट को स्थिति की सूचना दी। फिर उन्होंने रासायनिक रक्षा टुकड़ी से मदद और परिशोधन, जो कि एक तरह से सैनिटाइज करना होता है, का अनुरोध किया। अभ्यास के दौरान दुश्मन की स्थिति पर बारीकी से निगरानी, दिन और रात की पैंतरेबाजी और मल्टी विपिन कई तरह के हथियार थे, जैसे प्रमुख और कठिन विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया। आपको बता दें कि रिपोर्ट में अभ्यास की तस्वीरें भी थी, जिनमें एक सैनिक गैस मास्क पहने हुआ था। इससे पहले नवंबर में एक रिपोर्ट में अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा था कि चीन रासायनिक और जैविक के दोहरे इस्तेमाल की तकनीक पर रिसर्च कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह अभ्यास चीन भारत सीमा पर युद्ध के लिए तैयार कर रहने के लिए PLA के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। ऐसा कहा जाता है कि उसने यहां बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात किया है। अनुमान है कि हजारों सैनिक उन्नत हथियारों के साथ तैनात हैं। PLA की मीडिया ने बताया है कि कैसे उसने तिब्बत और श्रीजियांग के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अपने सैनिकों के लिए सुविधाओं और रहने की स्थिति में सुधार किए हैं। इससे उनकी लंबी तैनाती का पता चलता है। भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच लद्दाख में मई 2020 से झड़प हो गई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों ने धीरे धीरे सीमा पर हजारों सैनिकों के साथ भारी हथियारों को तैनात किया। अब तक कई दौर की वार्ता हो चुकी है दोस्तों, जिसके चलते थोड़े सैनिकों को ही पीछे हटाया गया है, लेकिन चीन के मन में क्या है यह अब तक नहीं पता चल पाया है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि चीन ने भारत के साथ लगने वाली सीमा पर सैन्य तैनाती में वृद्धि की है और यहां पर लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम हथियारों के साथ बम वर्षक विमानों की भी तैनाती की है। जी, आपको बता दें कि फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी रक्षा विभाग ने चीन की इस तैनाती को लेकर चिंता व्यक्त की है। भारतीय अधिकारियों ने हाल ही में कहा है कि चीन ने वास्तविक नियंत्रण
रेखा के पास पर्याप्त संख्या में सैनिकों की तैनाती की है और क्षेत्र में चीन की तरफ से बड़ा अभियान भी चलाया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि यह स्पष्ट नहीं है कि अमेरिका ऐसे समय पर भारत को सैन्य सहायता की पेशकश करेगा या नहीं। इस बीच एक भारतीय अधिकारी ने मैगजीन को बताया कि अमेरिका लगातार भारत के साथ खुफिया सूचनाएं साझा कर रहा है। मई में पेंगोंग त्सो झील के पास तनाव के बाद भारत चीन विवादित क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी को बढ़ा दिया है। हालांकि भारत और चीन ने इस दौरान विवाद को कम करने के लिए बातचीत का सहारा भी लिया। वहीं फिर पिछले साल जून में गलवान घाटी में हुए झड़प के बाद से तो तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। इसी बीच इस साल अक्टूबर में चीन ने यह कहते हुए एक नया सीमा कानून पारित किया है कि चीन के जनवादी गणराज्य की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पवित्र उल्लंघन योग्य है। वहीं दूसरी ओर भारत और चीन के बीच चल रहे तनावपूर्ण संबंधों के मध्य में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी रात के अंधेरे में सैन्य अभ्यास करने में जुटी हुई है। उसकी इस तैयारी से ये संकेत तो मिल रहे हैं दोस्तों कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है। पीएलए की जॉइंट मिलिट्री ब्रिगेड तिब्बत में बायोलॉजिकल एंटी न्यूक्लियर वॉरफेयर और रासायनिक हथियारों के साथ सैन्य अभ्यास कर रही है। इस सैन्य अभ्यास का आयोजन तिब्बत सैन्य क्षेत्र में हुआ है। चीन की 5 थिएटर कमांड है और तिब्बत सैन्य क्षेत्र में पश्चिमी थिएटर कमांड में सबसे बड़ी बताई जा रही है। दोस्तों ये थी खबर चीन के लेकर जो अब भारत के खिलाफ अपने हथियारों को पूरी तरह तैनात कर रहा है, वहीं LAC पर अपने सैनिकों को तैनात कर रहा है। हालांकि आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि भारत भी पीछे नहीं हटने वाला। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए आप हमें देखते रहें। जय हिंद, धन्यवाद।